हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGS Tech। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कौन सा थीम और कौन सा लॉन्चर यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप कौन सा लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी आप थीम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ, ये कोई थीम नहीं है, मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताता जाऊँगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल चैनल आर्ट, दोस्तों बहुत ज़्यादा उसमें कमेंट्स आए थे कि हम वाइट आइकन्स कहाँ से लें, आपने कहाँ से डाउनलोड किए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको दोनों सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा कि आप उन वाइट आइकन्स को अपनी गैलरी में कैसे ला सकते हैं। सारे जितने भी एप्लीकेशन है सबके आपको वाइट आइकन्स मिल जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप स्मार्ट लॉन्चर सर्च कर लीजिए। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों ने इसे यूज़ भी किया होगा या अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, आप उसे ओपन कर लीजिए या फिर आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, और जो आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इसमें प्रोसेस मांगेगा, वो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा रखना चाहते हैं और आप लोग गैलरी कौन सी रखना चाहते हैं, म्यूज़िक, तो दोस्तों आप वो सब कर लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आ जाइए। स्मार्ट लॉन्चर ओपन करने के बाद दोस्तों, आप इसे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर भी लगा लीजिए ताकि आप जब भी होम की दबाएं तो आप डायरेक्ट होम स्क्रीन लॉन्चर पे ही आएं। दोस्तों, यहाँ पे हमें सारे आपको जितने भी आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके अलग अलग फोल्डर बने हुए, जैसे कम्युनिकेशन का अलग, इंटरनेट का अलग, गेम्स का अलग, मीडिया का अलग। तो चलिए दोस्तों, अब इसके जो आइकन्स हैं वो सारे हम वाइट कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप एप्लीकेशन सर्च कीजिए वीकन्स। तो दोस्तों, यह आ गया हमारा वीकन्स एप्लीकेशन। आप इसके आइकन देख लीजिए और इसे ही डाउनलोड कर लीजिए। कोई आप फेक डाउनलोड मत करना, या फिर मैंने इसकी डाउनलोडिंग लिंक भी दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ओपन कर लेते हैं। वीकन्स ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। आप जब साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा आइकन्स का। दोस्तों, आप आइकन से क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं। कुछ ही होते हैं दोस्तों जो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे बता देते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, आप वापस से स्लाइड में आ जाइए। स्लाइड में आने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई का। दोस्तों, ये सारे आइकन्स यहाँ से आपकी गैलरी में सेव नहीं हो सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसे गैलरी में कैसे सेव करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस लॉन्चर में अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, आप अप्लाई वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉन्चर्स मिल रहे हैं, ये दोस्तों सब पे काम करेगा। और दोस्तों, जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है उसमें भी आप कस्टम में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्मार्ट लॉन्चर है वो दिखा रहा है नीला, आप इस पर क्लिक करके सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक होम स्क्रीन खुल चुकी है और सारे हमारे जितने भी आइकन्स हैं वो सब वाइट हो चुके हैं। दोस्तों, जो जो आइकन्स वाइट नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ आपको उन्हें कैसे वाइट करना है। तो दोस्तों, आप कोई भी एक आइकन ले लीजिए, उसे लॉन्ग प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप एडिट आइकन्स में चले जाइए। एडिट आइकन में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाएगा वीकन्स का। वीकन्स में जाने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, कैमरे से रिलेटेड है तो आप कैमरा यहाँ पे सर्च कीजिए। आपको बहुत सारे कैमरे के मिल जाएंगे और आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये कैमरा भी वाइट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दे दूँ कि आपको ये सारे आइकन्स आपको गैलरी में कैसे सेव करना है। अगर आप एक दोस्तों आप यूट्यूबर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग में, वॉलपेपर, या फिर आप अपने थंबनेल में। दोस्तों, आप अपना ex फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ex फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद आप जो आपने ऐप डाउनलोड करा था वीकन्स का, आप उसे सर्च कर लीजिए और उसे लॉन्ग प्रेस करके रीनेम कर लीजिए। रीनेम में दोस्तों, आपको जो .apk लिखा होता है, .apk की जगह आपको .zip डालना है। .zip डालने के बाद आप इसे डन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये एप्लीकेशन है zip फाइल में चेंज हो चुका है। इसके बाद आप zip फाइल को ओपन कर लीजिए। ES फाइल का जो ESZIP व्यूअर है आप उसे ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे एक आपको फोल्डर दिख रहा होगा RES का। दोस्तों, आप इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर सर्च करना है, जो कि आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ ड्राइवेबल NODPI V4 वाला। दोस्तों, आप इस फोल्डर में आप देख सकते हैं सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे जितने भी आपको वीकन्स वाले हैं। दोस्तों, ये RC की zip फाइल है, आप हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद इसे लॉन्ग प्रेस करिए और आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन जाने के बाद आप किसी भी फाइल में आप सेव कर सकते हैं, इंटरनल SD कार्ड या फिर आप एक्सटर्नल SD कार्ड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मैं चूज पास करके काइन मास्टर वाले फोल्डर में इसे सेव कर देता हूँ। दोस्तों, एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सेव लिख कर आ रहा है। तो दोस्तों, आप इंटरनल मेमोरी में आ जाइए और काइन मास्टर वाले फोल्डर में आप देख लीजिए आपने जो भी फोल्डर सेलेक्ट किया, आप उस फोल्डर में चले जाइए।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको फोल्डर मिल चुका है दोस्तों, सारे आइकन्स भी इसमें दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे अपनी गैलरी में आकर देख लेते हैं ये सेव हो चुके हैं या नहीं। दोस्तों वैसे ही सेव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी आप इसे ओपन कर सकते हैं गैलरी में। दोस्तों जब आप अपने फ़ोन की गैलरी ओपन करेंगे तो आपको उसी नाम का इसमें एक फोल्डर मिलेगा, आप फोल्डर में जाके देख सकते हैं आपके जितने भी वाइट आइकन्स हैं आपको मिल चुके हैं। अब दोस्तों आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, काइनमास्टर में यूज़ कर सकते हैं, पिक्सआर्ट में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी आप एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ।